Welcome friends to our channel Civil Engineer Abhishek Tyagi. तो दोस्तों आज हम निकालेंगे ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड वाटर सीमेंट रेशियो. जैसा कि जानते हैं हम कि हमारी ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है मेनी टाइप्स की होती हैं, जिसमें से M5, M10, M15, M20 एंड M25 बात करेंगे हम कुछ ग्रेड्स की. जहाँ पर हमारा एम जो होता है, एम आप देख सकते हैं, वो एम एक मिक्स है और नंबर जो 5 नंबर लिखा है वो आपका नंबर है क्या, जो 5 नंबर लिखा है वो हमारा करेक्टरिस्टिक कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है ऑफ कंक्रीट इन 28 डेज. जो हमारे 28 दिन के अंदर करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आती है उस ग्रेड के अंदर, वो हमारा नंबर है. जैसे कि हम अगर M5 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं तो आफ्टर 28 डेज इसकी स्ट्रेंथ जो है 5 न्यूटन पर mm आनी चाहिए. जैसे कि आप देख सकते हैं 5 न्यूटन पर mm आना चाहिए. अब हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेड. जैसे कि M5 ग्रेड का जो मिक्स रेशियो होता है वो 1:5:10. ठीक, इसमें 1 आपका सीमेंट है, 5 सैंड है और 10 एग्रीगेट है. उसी तरह हम बात कर लेंगे M10 ग्रेड की कंक्रीट, जिसमें कि हमारा मिक्स रेशियो है 1:3:6. M15 1:2:4. M20 1:1.5:3. M25 1:1:2. तो फ्रेंड्स ये हमारी हो गई ग्रेड ऑफ कंक्रीट. कितने टाइप की ग्रेड होती हैं और भी बहुत सी ग्रेड हैं, कितने टाइप की ग्रेड होती हैं ये हमारा हो गया. अब जो वाटर सीमेंट रेशियो क्या होता है, वाटर सीमेंट रेशियो में जो आपके जो जितने लीटर हम वाटर सीमेंट रेशियो का फॉर्मूला होता है, वाटर सीमेंट रेशियो इक्वल टू क्वांटिटी ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट बैग. आप जानते हैं कि एक बैग सीमेंट का वेट जो है 50-50 kg होता है. ठीक, जैसे कि हम M10 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं उसमें हमारा वाटर जो है 34 लीटर यूज करते हैं. ठीक, अगर आपको इसको वाटर सीमेंट रेशियो निकालना है कि कितना इसका वाटर सीमेंट रेशियो आ रहा है, तो 34/50 कर देंगे तो हमारा जो है वैल्यू आ जाएगी 0.6. ओके फ्रेंड, 0.526. उसी तरह देख सकते हैं दोस्तों कि M15 ग्रेड की कंक्रीट जब हम यूज करते हैं तो उसमें हमारा जो वाटर मिलाते हैं वो 32 लीटर मिलाते हैं. M20 ग्रेड की कंक्रीट अगर हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें हमारा जो वाटर होगा वो 30 लीटर होगा. M25 अगर इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें हमारा जो होगा वाटर वो 28 लीटर का हम डालेंगे, 28 लीटर डालेंगे. ये हमारा रहा ग्रेड ऑफ कंक्रीट और वाटर सीमेंट रेशियो. हमारी कितनी सीमेंट कितने पानी की ज़रूरत पड़ेगी किस ग्रेड में, और ये हमारी ग्रेड हो गई कि किस ग्रेड का हमें मिक्सर बनाना है. और इसको जब हम टेस्ट करते हैं तो इसका जो है ये जो करेक्टरिस्टिक्स जो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ आता है वो आफ्टर 28 डे के बाद. अगर हम M10 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं, सपोज दैट कि हम M10 ग्रेड की कंक्रीट यूज कर रहे हैं, उसका करेक्टरिस्टिक्स कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है आफ्टर 28 डेज 10 न्यूटन पर mm² आना चाहिए. ओके, थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स. और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो आप आसानी से देख सकें और नोटिफिकेशन में आपके आ जाए. ओके, थैंक यू फ्रेंड्स.